हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में आपको जेपीएससी एई मेन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे शेयर करना है। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन था कि एग्ज़ाम का डेट को लेके, एग्ज़ाम के शेड्यूल को लेके, तो अब आपको जेपीएससी के वेबसाइट पे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जेपीएससी का वेबसाइट खुला हुआ है और इस कॉर्नर पे यहाँ पे आपको वो नोटिस मिल जाएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट जो है, अभी हम इसको खोलते हैं, कुछ स्टूडेंट को इसमें ठीक लग रहा होगा और किसी स्टूडेंट को अच्छा फील नहीं हो रहा होगा कि एग्ज़ाम डेट जो हो गया वो पोस्टपोन्ड हो गया, किसी का तैयारी एकदम अच्छा से हो गया होगा और किसी का नहीं हो गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ नोटिस में, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 मेन एग्जामिनेशन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड ऑन 6/8 तक जो नवंबर 2020 में था विल बी डिलेड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, द न्यू शेड्यूल ऑफ एग्जाम विल बी अनाउंस्ड सून। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम डेट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन लिखा हुआ है। अब ये किस रीजन से हुआ है इसमें किसी को नहीं, तो हो सकता है COVID-19 की वजह से हुआ। तो 6/8 जो नवंबर को एग्जाम होने वाला था अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, अभी एग्जाम डेट नहीं अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे, इस नोटिस से आपको पॉजिटिव में ही लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए। आपको ये समझना है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत कराना चाह रहा है जेपीएससी, तो आपको और प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस का, कन्वेंशनल क्वेश्चन का, इंग्लिश का और जनरल स्टडीज़ का, ठीक है, इसका और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा और आपको मेहनत करना होगा। अब जाके कहो कि यहाँ पे आप ढीले नहीं हो सकते हैं, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे थे कि नहीं एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होना चाहिए, उनके लिए और ज़्यादा एकदम जीतोड़ मेहनत करने के लिए एक रीज़न मिल गया यहाँ पे। आप यहाँ पे रुकिए मत, आप और प्रैक्टिस करते रहिए। अब ये जो एग्ज़ाम है 6/8 नवंबर को होने वाला था, तो ये अब लगभग ये नवंबर के बाद ही होगा, दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है, होने का चांसेस है दिसंबर फर्स्ट, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी सब सारे एग्ज़ाम पे इतना प्रेशर है कि सब एग्ज़ाम को लेके इतना प्रेशर है कि सब जल्दी जल्दी कराना है, इतना सारा आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये वजह से ये ज़्यादा दिन तक एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं रहेगा, दिसंबर फर्स्ट वीक में मतलब हो जाएगा। तो आपको और कुछ ज़्यादा टाइम मिल गया है जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिविल ज्ञान सेडे चैनल पे आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आप उसको ज़रूर देखिए। सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जनरल स्टडी से रिलेटेड डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रहा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और टेक्निकल के लिए हम लोग एक बैचेज चला रहे थे जिसमें कि जिसका कि फ़ी 4500 था, अभी उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, जैसा कि स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और RCC डिजाइन कंप्लीट हो गया है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, तो ये सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और जितना भी सब्जेक्ट होगा एग्जाम होते आते अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम आने वाला लाइक क्वेश्चन है, सिर्फ उसका भी एक सेशन चलेगा, उसका भी एकदम हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा कन्वेंशनल अप्रोच को लेकर। तो ये सारा चीज़ चल रहा है, इसका 4500 फी था, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो 4500 फी था, आप कम टाइम होने की वजह से इस फी को घटा के 3500 कर दिया गया है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश से क्लासेस के लिए बहुत सारे लोग जो है प्रेशर दे रहे हैं कि इंग्लिश से क्लासेस स्टार्ट करिए, तो इंग्लिश के क्लासेस के लिए जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, वो आज कितना तारीख हो गया, आज हो गया आपका 8 तारीख, तो आप 9 और 10 मतलब 2 दिन टाइम है, 2 दिन, इस 2 दिन में मैसेज करिए इस नंबर पे कि आपको इंग्लिश से क्लास रिक्वायरमेंट है, आपको ज़रूरत है इंग्लिश से क्लास का 8599814012 पे। और इंग्लिश से क्लासेस का जो फ़ी है वो 850 है, जो टेक्निकल बैचेज ज्वाइन किए हैं उनके लिए जो ये फ़ी है वो बिल्कुल फ्री है, वो उनके लिए नहीं लगेगा, लेकिन जो सिर्फ इंग्लिश कर रहे हैं उनके लिए 850 लगेगा, वो भी ये नंबर पे ये 2 दिन में जो भी मैसेज आएगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो आप फिर से एक बार मैसेज ज़रूर करिए कि हमको एकदम श्योर शॉट लेना ही लेना है, तो ठीक है, इसके लिए आप कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस सेट जो है वो आ ही रहा है, आप उतना भी करते हैं तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी ज्वाइन करिए, लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है तो 9 से 10 तारीख के बीच में आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट इनफ होंगे तभी 11 से स्टार्ट हो जाएगा क्लास, या फिर 12 से स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हो गया, बाकी आपका टेक्निकल क्लासेस चल ही रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यही इन्फॉर्मेशन था फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।